वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज आपको इंडिया की सबसे डरावनी जगह दिखाएंगे। अब यहाँ पे हम टिकट काउंटर पे जा रहे हैं और यहाँ पे हम लेंगे टिकट। इससे पहले मैं एक बार और आया था, तब तो टिकट लगती नहीं थी, बट अब तो टिकट लगने लग गई है। देखते हैं कितने की है। ये टिकट काउंटर है जो 25 रुपीज की है, तो साथ ही आप देख सकते हो प्राचीन स्थल भानगढ़ जो 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये यहाँ का मैप है प्राचीन स्थल भानगढ़ का, हम आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ का वॉच टावर, राजमहल और ये सोमेश्वर मंदिर, फिरोज जी की हवेली और मंगला देवी जी का मंदिर, ये जोरी बाजार है, आप देख सकते हो, सब देख सकते हो पुराने अवशेष यहाँ के, जो यहाँ पहले मकान या घर बाजार हुआ करते थे। लोग कहते हैं कि यहाँ पे पहले एक बहुत ही सुंदर रानी रहा करती थी, तो यहाँ की जो महारानी थी बहुत ही सुंदर थी और वो इतनी सुंदर थी कि उसके ऊपर एक शाना सेवड़ा जो तंत्र मंत्र करते हैं वो एक महाराज बोले तो बाबा जी तांत्रिक मोहित हो गया था और वह उससे विवाह करना चाहता था। ये यहाँ का मार्केट जो पहले हुआ करता था अब तो खंडहर हो चुका, देख सकते हो। अब तो वैसे यहाँ पे अवशेष ही बचे हैं। ये यहाँ का मेन मार्केट लगता था पहले, ये 2 से 3 मंजिल थी, आप देख सकते हो। बाजार था पहले, ये इंडिया का सबसे भूतिया इलाका है। और गाइस हम बता दें तो जो यहाँ की रानी रत्नावती थी जो बहुत ही सुंदर थी, और उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की चर्चा थी, कई राज्यों में रत्नावती के लिए ब्याह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बाजार पे निकली और वह एक इत्र की दुकान पे इत्र खरीद रही थी और वहीं का एक सिंधु सेवड़ा नामक तांत्री उसे देख रहा था और उसे देख के उसकी खूबसूरती पर वो मोहित हो गया और वह उससे ब्याह करने के बस सिंधु सेवड़ा राजकुमारी रत्नावती को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसने उसको बहुत ब्याह के लिए प्रस्ताव रखे, मगर रानी ने मना कर दिया। यहाँ पे लवर बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। गाइस ये सामने यहाँ का मेन दरवाजा है और हमने जो पिछला दिखाया था वो
वहाँ का मेन गेट था एंट्री गेट, और ये बांधगढ़ फोर्ट का है। आप सामने देख रहे हो बांधगढ़ फोर्ट, और हम वहीं पे जाएंगे। जो अब टूट चुका था बांधगढ़ पैलेस, जिसमें हम अंदर जा रहे हैं। जब उस सेवड़े ने रानी रत्नावती की जो दासिया थी वो जब बाजार में इत्र लेने के लिए गई थी, इत्र या तेल, रानी रत्नावती का इत्र जिस दुकान से जाता था वहीं पर उसकी दासी इत्र लेने गई थी, तो वो शाना सेवड़ा, सिंधु सेवड़ा, उसने उस तेल के ऊपर कुछ मंत्र मार दिए जिससे वो रानी रत्नावती लगाते ही मोहित हो जाए। फिर रत्नावती ने जब राना रत्नावती के लिए दासियों को इत्र लेके गई थी, तो रानी को लगाने से पहले ही उसको पता चल गया था कि इस इत्र पे सिंधु सेवड़े ने कुछ जादू टोना किया है। तो रानी रत्नावती ने वो तेल एक पत्थर के ऊपर डाल दिया, और वो पत्थर की शिला उठकर सीधी उस सेवड़े के ऊपर जाके गिर गई, और वो सिंधु सेवड़ा मर गया। और उसने मरने से पहले एक शराब दिया कि ये बात, और जो वो इत्र था वो रानी को पता चल गया है कि इस पर कुछ जादू किया हुआ है, और रानी ने वो इत्र एक शिला पे फेंक दिया, और वो शिला डरे उठकर उस सिंधु सेवड़े पर जा गिरा और वो मर गया। और उसने साफ दिया कि ये शाम तक ये गांव पूरा उजड़ जाएगा, और उसके बाद आज तक ये गांव ऐसे ही है विराम। कितनी अच्छी है, अब तो धीरे धीरे खत्म हो चुकी है ये यहाँ की नक्काशी। पूरा व्यू बांधगढ़ किले से ऊपर से आप देख सकते हो। ये वो सामने कोई छोटा सा मंदिर है, आप देख सकते हो। ये इस पे कुछ लिखा हुआ है मगर मिट गया। पाँच
प्रमुख मंदिर भी है, ये सोमेश्वर मंदिर आप देख सकते हो। यहाँ की कारीगरी कितनी ही अच्छी है। ये नंदीदेव जी महाराज, और आप ये देख सकते हैं यहाँ की नक्काशी। मंदिर की कलाकृति है बाहर से कितनी ही अच्छी है। देख सकते हैं इस मंदिर सोमेश्वर मंदिर की गुंबद जो कितना ही अच्छा है।